हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज सबिना की बहन आने वाली है ऑक से। सो माय सिस्टर केम टू स्पेंड हॉलीडेज विद मी, या एंड आई टुक हर इन द सो टू चूज सम टॉयज मे बी। So now choosing water bottle maybe. Actually she don't know what she wanna, but yeah. So she decided to choose water bottle, not a toy. And now it's the hard choice in this world for her now. So which one? So she can't choose between these two. So, well, I love pandas, so I will take this one. But well, that's your choice. Tau rinktis. Which one? Take panda. Panda. So we solve a problem. So she still didn't choose. I thought she chose, but now again she took one more and like still can't decide which one. This. Shita. Okay, take it. Take it. Also, I like this dustbin small, but they are too small. Literally just one paper you can throw and will be full, so it's not worth, I guess, but very cute still. So now we came in another shop. It's a toy shop and we came in another mall. So this is the biggest toy shop in Lithuania, I guess. So we came in shop and like always we need everything to try. Oh no! So this you can try, but I'm too much dumb because I didn't find out how to put bullet in them. And this one just made noise, so I don't know what you need to do with this one. Also all these guns you can try here, but they failed. This video I'm doing just to show what they wanna to one person. तो अभी मेहमान आए हैं, इसके वजह से स्मर्फी को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि हर एक पे कूदता है। तो देखो कैसे कंप्लेन कर रहा है, ये देखो, क्योंकि इसको हर किसी के पास जाना होता है पर हर किसी को कूदता है, इसलिए इसको यहाँ पे भी बंद करना रखना पड़ रहा है। देख लो इसको देख रहे हो इसके ड्रामे। व्हाट? हाँ, नो फू। व्हाट स्मर्फी, स्टे। तो आज सबीना बना रही है शलते बर्शी। शलते बर्शी एक यूरोपियन डिश है। शलते बर्शी का अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो उसका मतलब होता है कोल्ड सूप। तो ये जो सूप होता है ना, ये होता है बीटरूट का, पर ठंडा होता है। तो इसके अंदर बॉयल पोटैटो, गरम गरम पोटैटोज लगा के खाते हैं। तो देखो ये पोटैटोज बॉयल हो रहे हैं, साथ में ये सूप के लिए ये है स्प्रिंग अनियन, वो है कैफिरस। तो जो वो सूप बनता है वो बनता है कैफिरस में बीटरूट मिला के, फिर ये सारी चीज़ें गाजर वाजर मिला के, सॉरी गाजर कह रहा हूँ, खीरे मिला के। ये देखो ये रहा खीरा, तो ये सब मिला के, ये रहा ये कोई हर्ब्स है। व्हाट इज दिस? क्रॉपल। व्हाट्स दैट इन इंग्लिश? आई डोंट नो, जस्ट ग्रास। तो कुछ तो है ये हर्ब्स वगैरह। तो कोल्ड बीटरूट सूप बनता है काफी अच्छा। मेरे को पता है जब स्टार्टिंग में सुना था ना कि ठंडा सूप और गर्म चीज के साथ खाते हैं, मेरे को काफी अजीब सा लगा था, पर एक्चुअल में ये अच्छा होता है और एक्चुअली में सेहत के लिए भी अच्छा है। और ये गर्मियों में ज़्यादातर खाते हैं क्योंकि ये थोड़ी ठंडे डिश है। तो बीटरूट का सूप होता है क्योंकि ठंडा होता है, सिर्फ कैफेरस में मिला होता है, इसको ना पकाना होता है ना कुछ करना होता, बस सब कुछ मिक्स करना होता है। ठंडा ठंडा कैफेरस होता है, बीटरूट होता है, सब कुछ मिक्स करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। वह पोटैटोज बॉयल करने होते हैं और वो उसमें डाल के गर्म गर्म पोटैटोज खाते हैं। तो और साथ में अंडे भी खाते हैं, एग्स और काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं गर्म गर्म इसमें डाल के, पर सबसे जो मेन रहता है वो रहता है पोटैटोज और एग्स। तो एग्स हम खाते नहीं, तो हम पोटैटोज बॉइल कर रहे हैं। देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ,
बाकी सबीना की बहन भी आ चुकी है, वो 2-3 दिन यहीं पे रहेगी। आपने जैसे देख ही होगा सबीना ने मिनी शो में रिकॉर्ड भी किया था, तो अभी तो किचन में थी, वो मूवी देख रही थी। अभी समर फीचर्स खेलते खेलते रूम के अंदर चली गई है, जब आएगी तो मैं आपको मिलवाऊंगा उससे भी, मतलब मिलवाऊंगा क्या दिखाऊंगा, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो देखो ये रियोक्स है और ये सब स्मर्फी के साथ खेल रही है अभी स्मर्फी, और इसका साइज, बल्कि ये स्मर्फी से छोटी है, स्मर्फी ज्यादा बड़ा है। तो हाँ, तो देखो ये ठंडा कैफिरस है और इसमें ये बीट रूट ऑलरेडी कसे कसा है, बीट रूट है, ये डाल रहे हैं, ये मिक्स कर देंगे साथ में। फिर देखो यहाँ पे खीरे वीरे कट के रखे हुए हैं, ये डाल के मिक्स कर देंगे, ये बन जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना। ये सबसे ईजी डिश है और अच्छी डिश है, खाने में अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। हाँ, बस प्रिपरेशन के ऊपर है कि आप सब कुछ जो आप डाल रहे हैं सब कुछ प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए बस, नहीं तो नहीं ये काफ़ी का, मैं क्योंकि एक बार होटल में खाया था काफ़ी गंदा बना था, पर सबीना अच्छा बनाती है, तो बस अच्छी जगह से खाना जो जो स्पेशलाइज करते हैं उस चीज़ में, क्योंकि क्वांटिटीज में मैटर करती है हर चीज़ की काफ़ी ज़्यादा। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी डिश है और मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं बनाने में, सिर्फ काटो और सब कुछ और डाल दो, मिक्स कर दो, फिर आलू उबाल लो, बस आलू उबलने में टाइम लगता है। बेसिकली आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी, तो वाटर, कैफिरस और बीट रूट, इन तीनों की एक तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। वही मैंने आपको बोला ना कि क्वांटिटी सब चीज़ की मैटर करती है। तो अब देखो इसमें कुछ भी नहीं किया, पानी डाला, कैफिरस था, पानी तो सिर्फ कंसिस्टेंसी के लिए डाला, बीट रूट, कैफिरस और ये सारी चीज़ें, हर्ब्स, खीरे और स्प्रिंग अनियन, और बस हो गया अभी रेडी, बस मिक्स कर लेंगे। आलू बॉयल होने का वेट करते हैं, आलू देखो यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं, आलू बॉयल होने के बाद खाएंगे इसको। तो हाँ, विल यू पुट सम लाइक सॉल्ट और समथिंग आल्सो इन इट? तो हाँ, तो सॉल्ट भी डालेगी ये, थोड़ा बहुत ही डालेगी, ज़्यादा नहीं डालते इसमें सॉल्ट, तो बस ऐसे ही खाएंगे। बाकी ना अभी रुक के रहना वीडियो में, जाना मत कहीं पे, क्योंकि आज हम फाइनली कपकेक बनाने वाले हैं, जो हम कल नहीं बना पाए थे। तो कपकेक का सामान सारा सभी ने ले आई थी खरीद के, तो आज कपकेक बनाने वाले हैं, उसका भी आपको दिखाएंगे हम कैसे बनाएंगे आज वो। तो देखो ये रही शल्ती बर्शे कोल्ड सूप और वो रहे बॉइलिंग हॉट पोटैटोस। तो देखो इसको कैसे खाते हैं, ये हल्का सा आलू लेंगे, ये पूरा गर्म आलू है, इसको इसमें डिप करेंगे और ये हो गई अपनी बाइट रेडी, अब इसको खा सकते हैं। तो ये पोटैटो गरम और सूप ठंडा, तो अच्छा लगता है एक्चुअल में, मेरे को भी ऐसे वियर्ड लगा था, आपको भी वियर्ड लग रहा होगा सुनने में कि ठंडा गरम एक साथ, पर ये ऐसे ही लगता है, तो इसको ऐसे खाते हैं। तो सभी और मैं सो चुके थे, कि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, हमें काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो अभी दोबारा से उठे क्योंकि कप केक बनाने का प्रॉमिस किया था, तो कप केक बनाएंगे। साथ में मेरे पास क्या है, स्ट्रॉबेरी, और देखो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो कप केक बनाते साथ साथ स्ट्रॉबेरी खा रहे, इसके बाद सभी की शक्ल देखे हुए, लुक इन द कैमरा वो देखो। तो हम दोनों अभी सो के उठे हैं, क्योंकि वीडियो बनानी थी, प्रॉमिस किया था, और तो जल्दी से कपकेक भी बनाते खाते हैं, और फिर देखते हैं सोएंगे दोबारा कि नहीं सोएंगे, क्योंकि उठ चुके हैं, 1 घंटे की नैप ली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम। तो हमने कपकेक बनाना स्टार्ट कर दिया है, इधर देखो पॉट में बटर डाल दिया है, साथ में उधर आपको फ़ोन दिख रहा होगा उसका, वो शॉर्ट्स बना दी थी अभी, वो ट्राईपॉड खड़ा हुआ था और रिकॉर्ड कर रहा था, तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। देखो बटर के तो सारे डाल रहे हैं पॉट में भर के, तो देखो यहाँ पे शॉर्ट्स की मिक्सिंग चल रही है, यहाँ पे हमने बटर मेल्ट करके और उसमें शुगर मिला दिया है, अब प्रोसेस चलता रहेगा, वो आपको पूरा का पूरे शॉर्ट्स में देगा, क्योंकि सभी ने रिकॉर्ड कर रही है, मैं इसको पूरा रिकॉर्ड नहीं करता, मैं बीच बीच में आपसे बात करता रहूँगा, बताता रहूँगा आपको, क्योंकि नहीं तो सभी ने को शॉर्ट्स बनाने में डिस्टर्बेंस होगी, तो इसको चलो करने देते हैं और मैं आपसे बीच बीच में मिलता रहूँगा हमेशा की तरह। तो ना अभी अब देखो हमने ये बेस तैयार कर लिया, इसमें फ्लोर वगैरह मिला के, तो बेस तैयार हो गया, पर ये ना काफ़ी कम है, इसकी आप क्वांटिटी को खुद देखो, तो सिर्फ इतना सा है, तो मैं इसको ना एक और पैन में थोड़ा सा और बटर वगैरह मेल्ट करके थोड़ा सा और बनाऊंगा, ये कम से कम 10 तो बनी जाए कपकेक्स, और साथ में शॉर्ट्स बनी रहे, तो आप पूरी रेसिपी देख लेना, आपको सबको दिख जाएगा वहाँ पर। बाकी ना हमें जो कपकेक्स के लिए वो नहीं होता कप, जो पेपर होता है वो मिला नहीं, तो सभी ने जुगाड़ कर दिया है, ये ओवन वाला पेपर है, सभी ने इसको काट काट के वैसे बनाएगी, हमारे पास ये तो है पर हमारे पास पेपर नहीं है, वो जो पेपर होते हैं जो कप केक के लिए पेपर होते हैं ना, वो हमारे पास से नहीं है, क्योंकि मेला ही नहीं, आज इसने ढूंढने की कोशिश करी थी, तो आज हम ये जुगाड़ कर रहे हैं, ओवन वाला पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो देखो मैं क्वान्टिटी बढ़ा चुका हूँ इसकी, अभी भर के है और इतने बन जाएंगे जितने 1, 2, 3,
एंड फोर, तो 12 इसमें हैं, तो 12 के 12 बन जाएंगे कप के कारेंगे। तो ये सही है, मैं इसको टेस्ट कर, इसकी स्वीटनेस वगैरह सब कुछ सही है, और इसमें हमने एग्स यूज़ नहीं करा है, तो वेजिटेरियन है ये। और अब बस इसको जल्दी से, इसमें ये जो मैंने आपको दिखाया कप केक्स का, जो इसको जो मेरे को पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गया, पर इसमें डाल के और फिर ओवन में इसको बेक कर देंगे। ये जो है ना, ये इसमें डाल के और फिर इसको ओवन में बेक कर देंगे। और सभी ना शॉर्ट्स भी बना रहे, तो वो भी बनाती रहेगी। तो वो देखो, ये आपको दिख रहे होंगे, स्टार्ट हो गए हैं बनने, बेक होना स्टार्ट हो गए हैं, और मतलब और 5 मिनट में हो जाएंगे पूरे के पूरे। देखो जैसे लग रहा है प्रॉपर बने, हमें लग रहा था कि प्रॉपर नहीं बन पाएंगे, तो प्रॉपर बने। ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है अभी ग्लास, जिसके वजह से इसको खोल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो बंद ही कर रखना है, बंद बोलने की बंद खोल के कौन करता है। फ्लेवर सारे के सारे सही बन रहे हैं, बस 2-3 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2-3 मिनट ही और लगेंगे बस।